जय हिंद सभी शेर सैनियों को। लाडलो बहुत सारे बच्चों के अभी आपने एक नोटिस देखा होगा जो वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग लिखा हुआ कि 23 जुलाई से एसएससी जीडी के मेडिकल होंगे, 23 जुलाई 2023 से। बहुत सारे बच्चों के उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट भी देखे हैं और मेरे भी काफी कमेंट देखे हैं कि सर और भी डेट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जैसे कल एक बच्चे ने भी मेरे को कॉल किया था, हमारी अकेडमी का ये बच्चा पुराना, उसने कॉल किया कि सर मेरे पैर पे चोट आ गई है तो क्या उसका कोई मेडिकल पॉइंट हो सकता है। लाडलो पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इस समय आपको इस प्रकार के कोई भी खेल कूद नहीं करना है जिससे आपके शरीर के कोई किसी प्रकार का नुकसान हो। मेडिकल पॉइंट तो उसमें कोई आपको बाहर नहीं करेगा अगर छोटी मोटी चोट आ जाती है, लेकिन गलती से अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जाए जिसका इलाज आप एक महीने में नहीं करा सको तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको बार बार इस बात को बता रहा हूं कि रीमेडिकल इस बार नहीं दिया जाता है, और अगर आपको किसी मेडिकल पॉइंट में निकाल दिया जाता है तो आप तुरंत केस कर दीजिए उसके ऊपर कि मुझे इसका वापस ही मेडिकल कराना है, अच्छा सा वकील देखिए। अगर आपके नंबर टॉप क्लास है तो टॉप क्लास नंबर है, नहीं तो मत करना, क्योंकि केस की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके टॉप क्लास नंबर है, आपको गलती से मान के चलिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको रीमेडिकल मान लो ओवर वेट में दे दिया, अब आपको बताया कि आप 20-25 दिन में वजन कम कर लोगे, तो आप पिटीशन फाइल कर देना, ठीक है। अब क्या ये चोट वोट आ गई तो सर उसका मेडिकल पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे गलती से ऐसी कई जगह चोट मत खा लेना, जैसे आंख हो गई, नाक हो गया, ये सेंसिटिव एरिया है। अगर यहां पर चोट खा ली, आपका कोई दांत टूट गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा खेलकूद से दूर रहिए, खेलकूद करते हैं तो पूरे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, कहीं बाहर जाते हैं सेफ्टी का ध्यान रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसा समय होता है ज्यादा इंसिडेंट होते हैं, कभी बाइक से गिर जाता है बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे पहुंचते हैं, फिर उनको वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, बच्चों ने पूछा कि सर 23 जुलाई को हमारा मेडिकल शुरू होगा या नहीं होगा? देखिए एसएससी पूरे मूड में है कि आपका मेडिकल जुलाई के सेकेंड वीक यानी 15 जुलाई के बाद में कभी भी कर सकती है। इसके पीछे का रीजन हमसे भली बात आप भी जानने लगे हैं कि एसएससी इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने जब फिजिकल का समय था तब भी जल्दी डेट दे दी, फिर उस डेट पे उनसे व्यवस्था नहीं हुई तो फिर डेट बढ़ाई, फिर एक बार वो डेट बढ़ाई, तो वही सेम मेडिकल में वो पहले जून दे दिया, अब जुलाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी व्यवस्था उनसे कन्वर्ट नहीं हो रही है, इस वजह से वो डेट आगे दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अब पूरे चांस है कि आपके 15 जुलाई से या 23 जुलाई से आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। वैसे 21 जुलाई से या 23 जुलाई के आसपास, कहने का मतलब 15 जुलाई के बाद में किसी भी डेट से आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 दिन का समय लगेगा, सभी बच्चों का मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल होने के बाद विदन मंथ यानी एक माह के अंदर अंदर आपका क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन फौजी बनने वाला है और कौन कौन नहीं बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है। इस दौरान आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, अगर आपने प्री मेडिकल नहीं कराया तो आप हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, आपको बराबर है नहीं, यूरिन टेस्ट करा लीजिए, आपको बराबर है नहीं, कोई शुगर वगैरह ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी बढ़िया से खाते पीते रहिए और बीमारी से बच के रहना। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी अगर इस समय होती है तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है लाडलो। बाकी पूरे के पूरे चांसेस है कि आपके 23 जुलाई के आसपास से मेडिकल शुरू हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।